हमीरपुर में बीती शाम पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों ने नेशनल हाईवे पर शव रख कर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप था कि उनके बेटे की हत्या करके शव को फांसी पर लटकाया गया है और पुलिस ने परिजनों को सूचना दिए बिना शव का पोस्टमार्टम भी करा दिया है। शव रख कर जाम लगाने का यह मामला सदर कोतवाली इलाके में बेतवा पुल के पास नेशनल हाईवे 34 का है। यहां रमेही मोहल्ले का रहने वाला 20 वर्षीय युवक सोनू निषाद, जो बांदा जनपद में जसपुरा थाना क्षेत्र के नारायण गांव अपने भाई की होने वाली ससुराल गया था, उसका संदिग्ध हालत में फांसी पर लटका हुआ शव मिला था। परिजनों का आरोप है कि सोनू निषाद की हत्या कर उसे फांसी पर लटकाया गया और जसपुरा थाना पुलिस ने बिना सूचना दिए शव का पोस्टमार्टम करा दिया। मेरे भाई को मारा गया है, मेरे भाई को बुलवा के मारा गया है। कल आज 12-1 के बीच में आज गया है और वहाँ पे रात में करीब 11-12 के बीच में फोन आया मेरे पिताजी के मोबाइल पे कि पापा मुझको बचा लो, नहीं मार डालेंगे मुझको, मर जाऊंगा मैं, इतना बोला। उसके बाद फोन कट गया है, फिर मेरे भाई ने फोन ना किया है, ना उठाया, ना कुछ किया है। फिर उसकी लाश सुबह में सुनने को मिला कि मेरे भाई साथ ऐसा फांसी भी लटका मिला था, पूरा पैक था। हम लोगों को चेहरा वेरा कोई नहीं मिला, पांच लोगों ने पंचनामा कर लिया, पाइप पहले कर लिया, लुहा के दरोगा जी ले गया। तुमको मिला नहीं? हाँ, हमने देख पहले हो चुका था। हाँ, क्या मांग है तुम लोग? क्या मांग है? हमारी मांग है कि दोबारा जो है ये मरना चाहिए और जो इसकी वो लोग पकड़े जाए जिनके यहाँ जाता रहा है। हाँ, वो पकड़े जाए। नहीं, उन्हें पकड़े जाए, लड़के वाले पकड़े जाए जिनका हाथ है, उनका पिताजी, उनकी माँ, वो बुलवाते रहे, पैसे लेते रहे, 10-10 हजार के मोबाइल फुला के लेते रहे।